होता क्या है एंड ये कैसे डिसाइड होता है। तो एक्सचेंज रेट होता है कि एक देश की करेंसी की वैल्यू दूसरे देश की करेंसी के कंपैरिजन में कितनी है। फॉर एग्जांपल, रुपए की वैल्यू डॉलर के मुकाबले होगी कि एक डॉलर कितने रुपए खरीद सकता है। और फॉलिंग ऑफ अ करेंसी का मतलब है कि देश की करेंसी की वैल्यू कम हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, एक डॉलर से अगर हम पहले 65 रुपीज खरीद पा रहे थे और अब 70 रुपीज खरीद पा रहे हैं, तो यहाँ पे डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है एंड रुपए की वैल्यू कम हो रही है। अब ये कौन डिसाइड करता है कि कौन सी करेंसी की वैल्यू कितनी होगी? तो ये डिसाइड होता है बेसिकली सप्लाई एंड डिमांड से। फॉर एग्जाम्पल, मान लो अगर मुझे अमेरिका से कार खरीदनी है, तो मैं वो कार डायरेक्टली उन रुपयों से नहीं खरीद सकता जो मेरे बैंक अकाउंट में है, क्योंकि मेरे पास सिर्फ रुपीज हैं एंड अमेरिकन सेलर सिर्फ डॉलर्स में पेमेंट मांगेगा। सो मुझे अपने रुपीज को डॉलर्स में एक्सचेंज करवाना पड़ेगा, जिसका बेसिकली मतलब है कि मैं अपने रुपयों के बदले डॉलर्स को खरीद रहा हूँ। मतलब मैं एक तरह से डिमांड कर रहा हूँ डॉलर की एंड सप्लाई कर रहा हूँ रुपए की। अब अगर बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, तो इससे क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में रुपए की सप्लाई बढ़ जाएगी, जिससे रुपए को आसानी से खरीद पाएंगे एज कम्पेयर टू डॉलर, और इससे डॉलर की वैल्यू बढ़ जाएगी। जैसे वो कहते हैं ना, कोई चीज अगर आसानी से मिल जाए तो उसकी वैल्यू कम होती है, बिल्कुल वैसे ही। अब इसको समझने के